कस्टम इंटेलिजेंस ने रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान 7 अरब 46 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा अशिया जब्त की हैं, जबकि 1 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत की 402 गाड़ियां पकड़कर रिकॉर्ड कायम किया है। तफसील बताएंगे आमिर नवीद चौधरी। कस्टम इंटेलिजेंस ने स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। कस्टम इंटेलिजेंस ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक स्मगलर्स के खिलाफ 661 मुकदमात दर्ज किए और स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क बेनकाब करके कई मुलजिमान को गिरफ्तार किया। कस्टम इंटेलिजेंस की कारकर्दगी इसके रिसोर्सेज के मुकाबले में बहुत ही शानदार रही है। पाकिस्तान कस्टम्स की टोटल HR जो है अदर देन इंटेलिजेंस वो 6,184 है और उसके मुकाबले में कस्टम इंटेलिजेंस सिर्फ 9% है। साल 2022-23 के पहले 6 माह में टोटल 9,061 मिलियन रुपीज के सीजर किए हैं। सीजर केसेस में हमने 93% इम्प्रूवमेंट की, नंबर ऑफ ऑक्शंस भी हुई ज्यादा, रेवेन्यू रियलाइज जो हुआ ऑक्शन से वो भी उसमें भी 23-24% इजाफा हुआ। स्मगलिंग में तो हमने बड़े ही मतलब साल का सबसे, बल्कि किसी भी एक महीने का सबसे बड़ा अचीवमेंट 1170 मिलियन अक्टूबर में इसी क्वार्टर में किया, इसी डायरेक्टरेट ने किया। मुल्क की इक्तसादी सरहदों की महाफिज कस्टम इंटेलिजेंस स्मगलिंग के खिलाफ हर अवल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। आमिर नवीद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।